भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं, मान्यवर अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों के घर में घुस के बलात्कार किए जाएंगे। आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है? आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है? इस तरह का बयान देंगे आप लोग? शर्मानी चाहिए इस सरकार को, ऐसे बयान देते हैं आप लोग? आप इस देश के लोगों को भड़काते हैं। दंगे इन लोगों ने कराए, दंगे इन लोगों ने कराए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कपिल मिश्रा इनका एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान्यवर, वो कहता है हम निपट लेंगे, हम बर्बाद कर देंगे दिल्ली को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आपने जज का ट्रांसफर कर दिया, कहा जाएगा न्याय के लिए आदमी, कहा जाएगा? जज अगर जज के लिए ऑर्डर करता है, जज अगर एफआईआर के लिए ऑर्डर करता है, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का, मानवता का कत्ल हुआ है दिल्ली में मान्यवर, और ये एक दिन में नहीं हुआ मान्यवर, चुनाव के पहले आग सुलगाई गई और चुनाव के बाद आग लगाई गई। ये सब कुछ एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित दंगा दिल्ली के अंदर कराया गया है, ये मेरा सीधा आरोप है। और मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इनके एक सांसद, इनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं, मान्यवर अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों के घर में घुस के बलात्कार किए जाएंगे। आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है? इस तरह का बयान देंगे आप लोग? शर्मानी चाहिए इस सरकार को, ऐसे बयान देते हैं आप लोग? आप इस देश के लोगों को भड़काते हैं। यहाँ पे ट्रंप की सरकार है, यहाँ हसीना शेख की सरकार है, किसकी सरकार है यहाँ पे? रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो ठीक नहीं है। इस तरह के बयान दिए गए इनके द्वारा। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश, दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में जलते रहे, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले चल गए, उनकी जान चली गई, और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री? ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दंगे इन लोगों ने कराए। कल दूसरे सदन में मैंने इनको सुना, कह रहे हैं दंगे में भारतीय मारे गए। गृह मंत्री जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक नहीं है, उसको रिकॉर्ड में रखा नहीं जाएगा। भारतीय मारे गए तो उन भारतीयों से मिलने, उनके परिवार से मिलने 25 दिन आप मिलने क्यों नहीं गए? आप इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं मिलने गए उन भारतीयों से? कपिल मिश्रा इनका एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान्यवर, वो कहता है हम निपट लेंगे, हम बर्बाद कर देंगे दिल्ली को, और जो जज एफआईआर का ऑर्डर देता है उस जज का आप ट्रांसफर कर देते हैं। जुडिशरी खतरे में है। आपने जज का ट्रांसफर कर दिया, कहा जाएगा न्याय के लिए आदमी? कहा जाएगा? जज अगर एफआईआर के लिए ऑर्डर करता है उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है मान्यवर। ये सब कुछ हुआ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ये सब कुछ हुआ। और गृह मंत्री जी अपने विषय पर जाओ। गृह मंत्री जी अपने विषय पर जाओ।